Hello students, how are you all? Today we'll be discussing how to take input from user in Java program. कि Java में user से input कैसे लेनी है. जैसे C में आपको पता है आप scanf use करते थे, C++ में आप cin function use करते थे user से input लेने के लिए. अब हमने study करना है कि Java में input लेने के लिए हम कैसे कौन सी class या कौन सा function use करते हैं. ठीक है, तो let us first of all recall कि जावा में आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते थे. ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है बट एक बार इसको रिवाइज करें कि जावा में आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते थे. जावा में आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम ये स्टेटमेंट लिखते होते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन. मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ आपको कि सिस्टम क्या है. जावा में कोई भी चीज़ जो कैपिटल लेटर से शुरू होती है वो मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास होगी. ठीक है, सो सिस्टम इज़ अ क्लास. और आपको मैंने बताया था जावा की हायरार्की में कि हर क्लास किसी ना किसी पैकेज में होती है. जावा में क्या होता है, एक मेन पैकेज मींस आप सोच लो एक फोल्डर, एक बड़ा फोल्डर है जिसको हम पैकेज कहते हैं, दैट इज़ ऑफ नेम जावा. जावा नेम का एक फोल्डर है, उसको अगर हम खोलते हैं तो उसमें छोटे छोटे फोल्डर्स हैं, दे आर सब पैकेजेस. ठीक है, कौन से फोल्डर्स, सब फोल्डर्स हैं जावा में, लाइक लैंग, यूटिल, आईओ, नेट, एप्लेट, ए डब्ल्यू टी, ये सारे जावा में सब पैकेजेस हैं. यानी जावा पैकेज के अंदर ये छोटे छोटे पैकेजेस हैं, फोल्डर्स हैं, छोटे फोल्डर्स हैं. और इन पैकेजेस में बहुत सारी क्लासेस पड़ी होती हैं, जैसे जावा डॉट लैंग. जावा डॉट लैंग मीन्स लैंग पैकेज इज अ सब पैकेज ऑफ जावा पैकेज. सारे पैकेजेस देखो जावा के सब पैकेज हैं. सो लैंग पैकेज में कौन सी क्लासेस होती हैं, उसमें ये क्लासेस होती हैं सिस्टम, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, थ्रेड, एक्सेप्शन. अभी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सिस्टम क्लास जो है, जो कि प्रिंट कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के काम आती है, वो क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज में है. और एक बात हमेशा याद रखनी है कि जावा डॉट लैंग पैकेज एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है. व्हाट डज दैट मीन, कि अगर हम अपने प्रोग्राम में सिस्टम क्लास को यूज़ कर रहे हैं या स्ट्रिंग क्लास यूज़ कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट या थ्रेड या एक्सेप्शन क्लास को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, देन वी नीड नॉट टू इम्पोर्ट दिस पैकेज इन आर प्रोग्राम. हमें कोई इम्पोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी, ये पैकेज ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाता है जब हम प्रोग्राम टाइप करते हैं या जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं JVM के थ्रू. सो जावा डॉट लैंग पैकेज इज द ओनली पैकेज विच इज़ डिफॉल्ट पैकेज एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड इन द प्रोग्राम व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड. हमें इसको स्पेशली इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा जावा डॉट लैंग पैकेज को. अब स्पेशली इम्पोर्ट करने का मतलब वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी. फिलहाल कि सिस्टम इज अ क्लास, सिस्टम क्लास का आउट क्या है, आउट एक ऑब्जेक्ट है सिस्टम क्लास का एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम क्लास. सिस्टम क्लास में एक इनबिल्ट फंक्शन पड़ा हुआ है, दैट इज प्रिंटएल. println function is used to display messages on the screen. एक print function भी होता है, एक println भी होता है. ठीक है, अच्छा अब अगर हमने सिर्फ एक message print करवाना है like hello double quotes में, तो जो चीज़ें हमने double quotes में लिख दी वो चीज़ें as such screen पे print हो जाएंगी. hello exclamatory sign, so as such screen पे print हो जाएगा. या अगर हमने किसी variable की value को print करवाना है, like I have a variable a whose value is 40 और मैं करवाती हूँ system dot out print line वैल्यू ऑफ ए. ये जो लाइन है वैल्यू ऑफ ए, ये डबल कोट्स में है, तो ये एज सच प्रिंट हो जाएगी वैल्यू ऑफ ए. और ये जो ए है ये विदाउट डबल कोट्स है, इट मीन्स इसकी वैल्यू प्रिंट होगी. और प्लस इज द कंकैटिनेशन ऑपरेटर, इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल के साथ जोड़ता है. सो टोटल स्टेटमेंट क्या बन गई, आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, ये यहाँ से आई डबल कोट्स वाली स्टेटमेंट से, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 40, 40 यहाँ से आई, राइट. सो दिस वॉज हाउ टू डिस्प्ले आउटपुट in a Java program. Now next is how to take input from the user. अब Java में input लेने के लिए जो class use होती है that is a scanner class. ठीक है, और scanner class कौन से package में पड़ी हुई है, Java package के util sub package में पड़ी हुई है. अब scanner class देखो, ये class Java dot lang package का part नहीं है. It means जब हम कोई भी class जो Java dot lang package में नहीं पड़ी उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इस क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में. तो पहले बात आपने ये देखनी है कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए
हम स्कैनर क्लास यूज करेंगे. कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर दैट स्कैनर क्लास ऑफ जावा विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर. फाइन. अब इसको समझने के लिए स्कैनर क्लास को एक मैंने प्रोग्राम लिखा है. सी अब मैंने स्कैनर क्लास यूज करना है. सो दिस इज द इम्पोर्ट स्टेटमेंट जो मैं आपको कह रही थी. कैसे होती है इम्पोर्ट स्टेटमेंट? इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज लाइक दिस. स्मॉल लेटर्स में लिखना इम्पोर्ट स्पेस डाल के जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. राइट. बिकॉज जावा के यूटिल के यूटिल में स्कैनर क्लास पड़े. इसको हमने इम्पोर्ट कर लिया, अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर लिया, जोड़ लिया. राइट. अब हम प्रोग्राम लिखेंगे. एक मैंने ए क्लास बनाई बिकॉज डेमो प्रोग्राम है. आपको सिर्फ स्कैनर क्लास का यूज बताना है या इनपुट कैसे लेनी है वो बताना है. सो मैंने क्लास का नाम ए रख लिया. इसमें मेन फंक्शन पड़ा हुआ है. देखो मेन फंक्शन हम स्ट्रिंग यूज करते हैं ना, स्ट्रिंग यूज करते हैं और स्ट्रिंग जावा डॉट लैंग का पार्ट है. तो जब हमें स्ट्रिंग यूज करना होता है तो हम जावा डॉट लैंग को इम्पोर्ट नहीं करते. राइट. ओके चलो हम स्कैनर क्लास पे फोकस करते हैं. अब हमने पहला स्टेप क्या करना है, हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है. और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का मेथड आपको पता है कैसे? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम. राइट. सो स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया एस. और हमने एज अ पैरामीटर सिस्टम डॉट इन पास करना है. सिस्टम डॉट आउट यूज होता था आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, सिस्टम डॉट इन यूज होता है इनपुट लेने के लिए. राइट. सो हमने सिस्टम क्लास का इन ऑब्जेक्ट एज पास करना है इस स्कैनर के कंस्ट्रक्टर में. इतना आपने डिटेल में इसको कंफ्यूज नहीं करना. आपने पहला स्टेप क्या करना है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट बनाते टाइम सिस्टम डॉट इन को ब्रैकेट्स में लिख देना है. राइट. उसके बाद हम यूज़र से अब इनपुट मांग रहे हैं. तो पहला मैंने मैसेज डिस्प्ले किया एंटर नेम. ठीक है. यूज़र जो भी नेम एंटर करेगा. अब नेम क्या है, नेम इज अ स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग एंटर करने के लिए क्या यूज हो, कौन सा फंक्शन यूज होता है नेक्स्ट, ये क्या है नेक्स्ट. स्कैनर क्लास में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. हर क्लास में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है. ऐसे स्कैनर क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हैं. एक है नेक्स्ट, एक है नेक्स्ट इंट, एक है नेक्स्ट लॉन्ग. राइट. और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं स्कैनर क्लास में. लेट मी शो यू दीज. दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्कैनर क्लास. नेक्स्ट इंट, अगर हमें इंटीजर डेटा इनपुट करवाना है. अगर हमें लॉन्ग टाइप का डेटा इनपुट करवाना है तो नेक्स्ट लॉन्ग. अगर हमें फ्लोटिंग टाइप का डेटा इनपुट करवाना है तो नेक्स्ट फ्लोट. अगर हमने डबल टाइप का डेटा इनपुट करवाना है द नेक्स्ट डबल. अगर हमने स्ट्रिंग इनपुट करवाना है द नेक्स्ट. राइट. अगर हमने एक पूरी लाइन नेक्स्ट लाइन में लाइक रिटर्न करानी है कि एक लाइन एंटर होने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करें तो नेक्स्ट वो लाइन कंप्लीट हो जाए, देन वी विल यूज़ नेक्स्ट लाइन. एंड क्लोज फंक्शन इज ऑल्सो यूज टू क्लोज अ स्कैनर क्लास. ये हम यूज़ नहीं करते, अपने आप स्कैनर क्लास खत्म हो जाती. सो दीज आर सम इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ स्कैनर क्लास. राइट. सो उसी हिसाब से जब मैंने पूछा कि एंटर नेम, तो नेम इज अ स्ट्रिंग. सो आई विल यूज नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्कैनर क्लास. और फंक्शन कैसे यूज करते हैं किसी क्लास का, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ. सो ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट. आपको पता है ना, किसी भी क्लास का फंक्शन यूज करना हो तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट लिख के उसको साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के उस क्लास के फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं. राइट. और मैंने नेम एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग टाइप का. इसमें क्या जाएगा, एस डॉट नेक्स्ट. यहाँ पर इस जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा स्क्रीन पे और दैट विल आस्क अस टू एंटर अ स्ट्रिंग. तो मैंने सपोज कर एंटर कर दिया गीत. तो मैसेज आया था ना एंटर नेम, मैंने क्या एंटर कर दिया गीत. तो गीत एस डॉट नेक्स्ट के थ्रू नेम में चला गया. राइट. देन मैंने मैसेज किया एंटर जेंडर. अब जेंडर जो होता है ये सिंगल करेक्टर में ही हम इनपुट करवाते हैं, या एम या एफ. ठीक है. ये मैंने ये जेंडर क्यों यूज लिखा मैसेज, ताकि आपको समझ आ जाए स्ट्रिंग कैसे लेनी है, एक करेक्टर कैसे लेना है, हर एक का पता लग जाए. ठीक है. सो एंटर जेंडर. जेंडर इज अ सिंगल करेक्टर. तो अगर हमें करेक्टर एंटर करवाना है जावा में तो व्हाट वी विल राइट, हम एस डॉट नेक्स्ट फंक्शन ही यूज करेंगे. ठीक है. एंड इसके साथ में नेक्स्ट के साथ में कैर एट जीरो मीन्स एस डॉट नेक्स्ट ने पूरी स्ट्रिंग एंटर करवा ली. लाइक अगर मैंने मेल भी लिख लिया या फीमेल भी लिख दिया, पूरी स्ट्रिंग इनपुट हो गई, लेकिन उसका जो जीरोथ पे करेक्टर है एम या एफ वो जेंडर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. और मैंने कैर टाइप का लिया जेंडर को. वाई, बिकॉज मैंने एक करेक्टर, एक सिंगल करेक्टर स्टोर करवाना है, स्ट्रिंग नहीं करवानी. ओके. देन एंटर एज. अब एज जो है वो छोटी होती है, मैक्सिमम एज जो है टू डिजिट्स में होती है या थ्री डिजिट्स में हो सकती है बाय चांस. ठीक है. तो उसके लिए इंटीजर वेरिएबल सफिशिएंट है. तो हमने इंट टाइप का एज वेरिएबल लिया. और इंटीजर कैसे एंटर करवाते हैं, नेक्स्ट इंट फंक्शन से, आई कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, एस डॉट नेक्स्ट इंट. ठीक है.
और एंटर फोन, अ फोन लंबा होता है, बड़ा नंबर होता है, सो वी विल यूज लॉन्ग, या हम डबल यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है. सो लॉन्ग फोन इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट लॉन्ग. सो नेक्स्ट लॉन्ग फंक्शन इज यूज टू एंटर अ नंबर दैट इज वेरी लॉन्ग. इंट इज यूज टू एंटर अ नंबर दैट इज स्मॉल. एस डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट इज यूज टू एंटर अ सिंगल करेक्टर, एंड एस डॉट नेक्स्ट इज यूज टू एंटर अ स्ट्रिंग. और ये सारे फंक्शंस किसके हैं, स्कैनर क्लास के. और इनको यूज करने के लिए हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा. आई थिंक क्लियर हो गया. उसके बाद जब सब कुछ हमने स्टोर करवा लिया, देन इसमें हमने सिर्फ प्रिंटिंग ही करवाई है. नेम इक्वल्स टू गीत, जेंडर इक्वल्स टू एफ, एज इक्वल्स टू, फोन इक्वल्स टू, जो भी, वो सारा प्रिंट हो जाएगा. राइट, इज दैट क्लियर. अच्छा चलो, स्कैनर क्लास को एक्सप्लेन और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और प्रोग्राम आपको दिखाती हूँ, वो जो आपकी बुक में है प्रोग्राम. राइट, आपकी बुक में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में ये फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें स्कैनर क्लास यूज हुई है. इस बुक का पहला प्रोग्राम जिसमें स्कैनर क्लास यूज हुई है. तो ये प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं. पेज नंबर 73 पर है. हमने सबसे पहले स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट किया, बिकॉज ये जावा डॉट लैंग पैकेज का हिस्सा नहीं है, सो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा. फिर मेन फंक्शन क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाया. मेन फंक्शन में तीन वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के लिए, बेसिक सैलरी, बोनस एंड टोटल सैलरी. देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया SC. राइट, देन मैसेज प्रिंट किया, एंटर बेसिक सैलरी. यूजर ने जो भी सैलरी एंटर की, क्योंकि इंटीजर में होगी, तो वो SC ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, बिकॉज हम इन डेटा इनपुट करवा रहे हैं, वो बेसिक सैलरी में स्टोर हो जाएगा. बेसिक सैलरी भी इंटीजर टाइप का है, ठीक है. देन मैसेज किया, एंटर बोनस, ये भी इंटीजर टाइप का है बोनस. सो नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज करेंगे इसको एंटर करवाने के लिए. राइट, फिर टोटल सैलरी में बेसिक सैलरी डाल दी, ठीक है. टोटल सैलरी में जो बेसिक सैलरी उसने डाली थी वो डाल दी. और फिर हमने इफ कंडीशन लगाई कि अगर उसकी सैलरी 20,000 से ग्रेटर है तो उसमें बोनस भी ऐड कर दो, ठीक है. प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, हम तो मेन स्कैनर क्लास में फोकस कर रहे हैं, ठीक है. वैसे ये इफ का प्रोग्राम था ना, इसलिए उसने इफ पे ज़्यादा फोकस किया. देन उसके बाद हमने प्रिंटिंग करवा दी टोटल सैलरी की. सो आपने क्या इसमें नई चीज़ देखी है कि स्कैनर क्लास कैसे यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इम्पोर्ट स्कैनर क्लास, नंबर टू वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, एंड नंबर थ्री वी यूज द फंक्शंस ऑफ स्कैनर क्लास, वॉट एवर फंक्शन वी नीड. इफ वी वॉन्ट टू एंटर इंटीजर वी यूज नेक्स्ट इंट, इफ वी वॉन्ट टू एंटर फ्लोट वी यूज नेक्स्ट फ्लोट, इफ वी वॉन्ट टू एंटर डबल वी यूज नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है. और सिंपल नेक्स्ट यूज होता है स्ट्रिंग एंटर करने के लिए, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्कैनर क्लास. आई रिपीट वंस अगेन दैट टू यूज स्कैनर क्लास वॉट आर द स्टेप्स. स्टेप्स इज वी इम्पोर्ट दिस पैकेज स्कैनर क्लास विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल. नंबर टू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास. नंबर थ्री वी यूज डिफरेंट फंक्शंस वॉट एवर डिपेंड्स ऑन वॉट एवर इनपुट वी आर गोइंग टू टेक. So this was all about the use of scanner class for taking input in Java program. Thank you.